जिसमें आपने किया हुआ है दैट सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर साइन कॉस टैन सेक कॉस एक् कॉट राइट अब आज हम ये बात करेंगे कि अब इन टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर एंगल आपके पास नेगेटिव आ जाए अगर एंगल आपके पास 90 से बड़ा आ जाए देन हाउ यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दैट एंगल टेंथ क्लास तक हमने सिर्फ जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी और नाइन्टी की वैल्यूज़ निकाली थी आज हम करेंगे कि अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल आ जाए 180 आ जाए 120 आ जाए 150 आ जाए 765 आ जाए तो साइन कॉस टेंट कॉसैक् कॉट में हम वैल्यूज़ एंगल की कैसे फाइंड आउट करेंगे राइट तो आज हम वो स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले देखो आपने किया हुआ है कि चार क्वाड्रेंट्स होते हैं आपने कोऑर्डिनेट जोमेट्रिक की हुई है जिसमें एक्स और वाई एक्सेस होता था अब हम टेग्नोमेट्रिक में करेंगे कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं मान लो ये आपके पास ज़ीरो डिग्री का एंगल बना रहा है एक स्ट्रेट लाइन है सिर्फ ये सब कुछ छोड़ दो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट मेक्स अ एंगल ऑफ ज़ीरो डिग्री आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सो वी गेट एन एंगल ऑफ़ नाइन्टी डिग्री और 90 डिग्री को हम क्या लिखते थे रेडियन में पाई बाई टू हमने किया था 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन 90 में फिर 90 ऐड किया ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 चारों एंगल चारों क्वाड्रेंट्स हैं 90 90 डिग्री के हैं ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट चार क्वाड्रेंट्स आपने किए हुए हैं, जिसमें एंगल आपने सिर्फ जीरो से 90 डिग्री तक का निकाला है जीरो टू नाइन्टी दैट इज पाई बाई टू तक का दैट इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट अब मैं अगर यहां से यहां तक का एंगल बनाऊं तो टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन है कितना बनेगा वन एटी डिग्री का तो नाइन्टी प्लस नाइन्टी नाइन्टी तक ये था और 90 ये तो कितना हो गया 180 एटी डिग्रीज और 180 एटी डिग्रीज को हम रेडियन में क्या कहते हैं पाई तो मैं दोनों लिख रही हूं ताकि 180 एटी डिग्री लिखो या पाई लिखो एक ही बात है 180 एटी में फिर 90 ऐड करोगे दैट इज योर 270 सेवेंटी डिग्रीज जैसे आप क्या लिखते हो थ्री पाई बाय टू राइट थ्री इंटू नाइन्टी वन टू थ्री थ्री इंटू 90 और 270 में 90 फिर ऐड करोगे तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा दैट इज ऑफ 2 पाई तो सर्कल आपका कंप्लीट होता है देन वी गेट अ कंप्लीट एंगल ऑफ 360 डिग्री तो चार क्वाड्रेंट्स आपके पास होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच लाइज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री ध्यान से समझ लेना क्योंकि आगे ट्वेल्थ में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट विच लाइज फ्रॉम जीरो टू नाइन्टी डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट विच लाइज फ्रॉम नाइन्टी टू वन एटी डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट लाइज फ्रॉम वन एटी टू टू सेवेंटी डिग्री एंड फोर्थ क्वाड्रेंट फ्रॉम टू सेवेंटी टू थ्री सिक्सटी डिग्री चार क्वाड्रेंट हमने किए फर्स्ट क्वाड्रेंट विच लाइज फ्रॉम वेयर अगर एंगल एक्स ले लें So lies from zero to ninety degree, right? Second quadrant which lies from ninety to one eighty degrees. Third quadrant which lies from one eighty to two seventy degrees, and fourth quadrant which lies from two seventy to three sixty degrees. ये हमने किए चार क्वाड्रेंट्स राइट जिसकी हमने बात की अब तक हमने सिर्फ ये किया हुआ है कि एंगल जीरो से नाइन्टी तक के निकाले हैं जिसमें आपने एक टेबल याद किया था जीरो वन टू थ्री फोर फोर से डिवाइड किया टेकिंग अंडर रूट वैल्यू निकाली पहली जीरो की फिर थर्टी की फिर फोर्टी फाइव फिर सिक्सटी और फिर नाइनटी तो साइन का निकाला कॉस उल्टा किया और डिवाइड किया तो टन आ गया राइट बिल्कुल ठीक था वो अब आपके पास जो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट अब इसमें हम क्या कहते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव होती है कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नेगेटिव होती है क्योंकि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल्स किए हैं राइट हम कहते हैं कि अगर एंटी क्लॉक चलता है तो पॉजिटिव एंगल है क्लॉक चलता है तो वो नेगेटिव एंगल है लास्ट क्लास में हमने किया था अब आपके पास क्या आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसके लिए हम क्या करते हैं ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हम ऐसे याद करते हैं आफ्टर मीन्स ए ए का ऑल पॉजिटिव दैट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच लाइज फ्रॉम जीरो टू नाइनटी डिग्री एंड इन दिस क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर पॉजिटिव ऑल मीन सिक्स टिग्नोमेट्रिक टर्म्स है साइन कॉस टेन सेकॉट ऑल दिक्कस टिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर पॉजिटिव इन जीरो टू नाइनटी डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने कहा आफ्टर स्कूल स्कूल का एस और एस से क्या होता है साइन और साइन का ऑपोजिट कॉसेक तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल अदर फोर टिग्नोमेट्रिक टर्म्स कॉस

ट तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे बाकी चार टेग्नोमेट्रिक टर्म साइन कॉसेकस कौस और सेक नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉलेज का सी सी से कॉस और कॉस का ऑपोजिट सेक ये दो टिग्नोमेट्रिक टर्म्स पॉजिटिव होती हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल अदर फोर साइन कॉसेक टैन और कॉट नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट अब फोर्थ क्वाड्रेंट इन द फॉर्म देखो जीरो प्लस या नाइंटी माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट जीरो में कुछ प्लस करो या नाइन्टी में से कुछ माइनस करो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस या 180 एटी माइनस 90 प्लस थर्टी या 180 एटी माइनस थर्टी कुछ भी करो तो दैट एंगल ऑलवेज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट विच लाइज फ्रॉम 90 टू 180. एटी थर्ड क्वाड्रेंट 180 एटी प्लस एंगल बढ़ रहा है ना तो 180 एटी प्लस और 270 सेवेंटी माइनस राइट दैट इज योर थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास आता है दैट इज 270 प्लस एंड 360 माइनस कि कभी भी एंगल में 270 प्लस हो या 360 माइनस हो दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड पॉजिटिव, ऑल अदर टेग्नोमेट्रिक टर्म्स आर नेगेटिव तो इस चार्ट की हेल्प से हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो एंगल बड़ा हो 180 से बड़ा हो चाहे 270 हो चाहे 360 हो चाहे 760 हो कोई भी एंगल हो यू कैन फाइंड इट इजीली बाय यूजिंग दिस क्वाड्रेंट ओनली तो अगर ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता तो आप कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि सबसे पहले आप चेक करोगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी टिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव होती है और फिर हम देखेंगे कि उसका एंगल की क्या वैल्यू आती है द फर्स्ट थिंग दोबारा से देखो पहले हमने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड थर्ड फोर्थ कहां कहाँ लाई करता है कहां से कहां तक उसके बाद हमने कहा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव टैन एंड कॉट पॉजिटिव कॉस एंड सेक पॉजिटिव ये हमने कहा चार क्वाड्रेंट्स में अब हम बात करते हैं नाइन्टी और टू सेवेंटी की नाइन्टी और नाइन्टी का ऑपोजिट सामने क्या है टू सेवेंटी तो नाइन्टी और टू सेवेंटी पर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म चेंज हो जाती है नाइन्टी और 270 पर हमारी टेग्नोमेट्रिक टर्म टेग्नोमेट्रिक टर्म कैसे कि साइन है तो कॉस हो जाएगा जैसे आपने किया हुआ है आपने साइन ऑफ uh, 90 माइनस थीटा किया हुआ है थीटा या कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा टेंथ क्लास में किया था साइन थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस राइट right? तो अब हम उसी लॉजिक को यूज करेंगे 90 आपने किया है और अब उसका ऑपोजिट बड़ा एंगल कौन सा आ गया टू तो 90 और 270 पर टिग्नोमेट्रिक टर्म चेंज हो जाती है साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में टैन कॉट चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टैन में सेक होता है कॉसेक में और कॉसेक होता है सेक में अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे चेंज होता है जैसे हमने किया हुआ है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस 90 आ गया चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो जहां साइन ऑफ देखो आपने किया था साइन ऑफ 90 माइनस थीटा उसे आपने कॉस थीटा लिखा था कैसे 90 माइनस अब 90 का मतलब ये माइनस मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टिक्नोमेटिक टर्म्स क्या होती हैं पॉजिटिव तो इसका मतलब इसका आंसर प्लस आएगा पहली चीज जो आपको देखनी है वो देखना है साइन दूसरा 90 माइनस क्वाड्रेंट तो पता लग गया अब 90 90 साइन को क्या करता है कॉस में चेंज तो यहां क्या हो जाएगा कॉस ऑफ दैट एंगल दैट इज थीटा तभी तो ये आया था कॉस थीटा जो आपने टेंथ क्लास में किया था कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज थीटा तो पहले आप क्वाड्रेंट चेक करोगे और उसके अकॉर्डिंग पहले साइन लगाओगे और फिर देखोगे कि 90 है या 270 है तो टेक्नोमेट्रिक टर्म चेंज हो जाएगी और अगर 180 एटी या थ्री होगा तो टिग्नोमेट्रिक टर्म चेंज नहीं होती मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास साइन ऑफ 180 एटी माइनस थीटा है तो 180 एटी माइनस कौन सा क्वाड्रेंट 180 एटी माइनस वन में से कुछ माइनस हो रहा है तो कहाँ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव तो प्लस आएगा अब 180 एटी साइन को साइन ही रखेगा क्योंकि सिर्फ 90 और 270 पर टेगनोमेट्रिक टर्म चेंज होती थी तो 180 तो साइन को साइन ही रखेगा ऑफ एंगल तो इस तरह से हम कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं 90 से बड़ा कितना भी बड़ा एंगल आ जाए यू कैन फाइंड इट बाय यूजिंग दीज क्वाड्रेंट्स राइट तो इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं एंगल्स को फाइंड करना क्लियर तो अब देखो जैसे हमारे पास मान लो आपके पास ये क्वाड्रेंट्स लिखे रहने दे रही हूँ सिर्फ मैं ये चेंज कर रही हूँ दैट इज कि अगर हमें वैल्यू निकालनी है कॉस ऑफ 150 डिग्री की राइट right? अब डायरेक्टली वैल्यू तो हमें नहीं पता कि वैल्यू क्या होगी 150 हमें तो सिर्फ 90 तक की वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो एंगल गिवन है उस एंगल को ब्रेक करेंगे आज 150 है 150 हमें पता है 90 और 180 के बीच में आता है राइट right? या तो 90 प्लस या 180 एटी माइनस तो 150 को 90 प्लस या 180 एटी माइनस के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर दो कैन वी राइट दिस एज कॉस ऑफ 90 प्लस अब 90 में क्या ऐड करें कि 150 आ जाए 60. अभी मैं इस 90 का कर रही हूँ फिर 180 का भी करके दिखाऊंगी आंसर दोनों से सेम आएगा आप कोई भी कर लो 90 प्लस 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव है तो कॉज क्या होगा नेगेटिव 90 कॉस को क्या करेगा साइन में कन्वर्ट ऑफ 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू आपके पास क्या होती है माइनस तो एज इट इज और साइन 60 इज रूट थ्री बाय टू तो कॉस 150 की वैल्यू क्या आएगी माइनस रूट थ्री बाय टू अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हम 180 से करते तो क्या होता देखो कॉस ऑफ 150 degree डिग्री कैन बी as एज of ऑफ minus 30. 180 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करना है तो 180 में से क्या माइनस करें कि 150 आए 30 150 को लिख सकते हैं अब 180 एटी माइनस वन माइनस कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो माइनस 180 एटी कॉस को चेंज नहीं करेगा क्योंकि 90 और 270 पर चेंज होता है तो 180 से कॉस तो कॉस ही रहेगा ऑफ दैट एंगल 30 और कॉस 30 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू आंसर सेम आएगा चाहे आप किसी भी क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर दो हमें इतना तो पता लग जाता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है एंगल दो तरह से ब्रेक होगा अगर इसके बीच में आता मान लो 210 आ गया तो 180 प्लस या 270 माइनस अगर एंगल यहां पर आ जाता 300, तो 270 प्लस या 360 माइनस तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं राइट तो ये आपके पास आती है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्लियर इसके बाद आपके पास जो आता है साइन ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपके पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एंगल नेगेटिव हो ये तो अभी हमने ये कहा कि क्वाड्रेंट की हेल्प से वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है अब हम कहते हैं कि अगर आपके पास साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इस केस में हम कहते हैं जैसे साइन ऑफ माइनस एक्स आ जाए कॉस ऑफ माइनस एक्स टैन ऑफ माइनस एक्स साइन का ऑपोजिट कॉसेक ऑफ माइनस एक्स या थीटा ले लो चाहे माइनस सेक ऑफ माइनस एक्स और कॉट ऑफ माइनस एक्स अगर एंगल आपके पास नेगेटिव आ जाए ये भी आपने ऑलरेडी टेंथ क्लास में किया था वैसे राइट right? तो उसके लिए देखो हम कैसे करते हैं जैसे आपके पास ये एक सर्कल है मान लो दस ये ओरिजिन यूनिट सर्कल हमने लिया जिसमें जिसका रेडियस क्या होगा वन ये पॉइंट P मान लो ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूं सीधी लाइन राइट right? अगर ये एंगल पी ए बी है तो ये एंगल क्या हो जाएगा ए ऑफ माइनस बी राइट यही होगी वैल्यू लेट दिस एंगल बी एक्स एंटी क्लॉकवाइज है और अगर क्लॉकवाइज आए यहां से ये एंगल बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा माइनस एक्स राइट क्लियर इतना अब यहां से ये लेंथ ऑफ आर्क मान लो आपके पास x है यूनिट है यूनिट सर्कल है तो दस सेम ये है आपके पास अब हम यहां से क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास साइन ऑफ माइनस एक्स है राइट माइनस एक्स एंगल नेगेटिव तो एंगल नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो क्या पॉजिटिव होता है कॉस और सेक सिर्फ दो वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बाकी सब क्या होती हैं नेगेटिव तो उसी रिजल्ट से हम कहते हैं सिर्फ कॉस और सेक के केस में एंगल जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी हर एक वैल्यू क्या होती है नेगेटिव दैट इज माइनस कॉसैक एक्स माइनस कॉट तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस और सेक के केस से में माइनस क्या हो जाएगा प्लस बाकी हर केस में माइनस बाहर आ जाएगा कि अगर मैं कहूं कि मुझे वैल्यू निकालनी है कॉस ऑफ माइनस थर्टी की तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू रूट थ्री बाय अगर मैं कहूं कि मुझे tan ऑफ माइनस फोर्टी फाइव की वैल्यू निकालनी है तो tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा पहले एंगल को हमने नेगेटिव को बाहर ले गए सिर्फ कॉस और सेक के केस में माइनस प्लस हो जाएगा बाकी हर केस में बाहर माइनस एज इट इज़ tan फोर्टी फाइव की वैल्यू वन तो tan ऑफ माइनस फोर्टी फाइव इज माइनस वन तो कभी भी एंगल अगर अंदर नेगेटिव आता है तो सबसे पहले बाय यूजिंग दीज रिजल्ट्स यू हैव टू टेक द साइन आउटसाइड एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग टिक्नोमेट्रिक टर्म्स राइट तो आपके पास देखो अब जैसे एक्सरसाइज है आपकी थ्री फिर इसके ग्राफ भी करेंगे पहले 3.2 पॉइंट एक्सरसाइज देखो इजी क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेंट है एंगल निकालना है या एंगल अगर नेगेटिव हो तो उसकी बात करेंगे फर्स्ट फाइव क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर फाइव टिग्नोमेट्रिक टर्म्स एक टेग्नोमेट्रिक टर्म दी है और बाकी टिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमें निकालनी है कंडीशन क्या दी है इफ कॉसेक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ कॉसेक्स अगर आपके पास माइनस हाफ दिया हुआ है कॉसेक्स की वैल्यू तो आपको बाकी पांच टिग्नोमेट्रिक टर्म्स निकालनी है छह टिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं एक तो दी हुई है बाकी पांच निकालनी है अब सबसे पहले कॉसेक्स माइनस क्यों है क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है राइट right? इसीलिए आपके पास यहां पर ये क्या है नेगेटिव साइन इस माइनस साइन सिर्फ क्वाड्रेंट के लिए है बाकी कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल देखो तो लेंथ आपकी कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव uh, नहीं होती हमेशा लेंथ क्या होती है पॉजिटिव तो अब अगर मैं यहां से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं राइट right? तो आपके पास ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और ये बेस राइट right? तो कॉसेक्स क्या होता है बेस अपॉन hypotenuse. पॉटीन्यस बेस अपॉन क्या हुआ राइट एंगल ट्राइंगल में तो क्या आप ये निकाल सकते हो पर पेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम. टू का स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर दैट इज फोर माइनस वन दैट इज रूट थ्री इजीली निकाल सकते हो अगर हम ये ट्राइंगल ए बी सी ले लें तो कॉस एक्स हमारे पास माइनस नहीं देखना क्योंकि माइनस इज ओनली फॉर द क्वाड्रेंट लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती ये हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव तो हाफ देखना है कॉस एक्स क्या होता है बेस अपॉन अपऑन तो हमने क्या निकाल लिया परपेंडिकुलर अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं साइन कॉसैक कॉस टेन ऑल द वैल्यूज सारी वैल्यूज निकाल दो देखो साइन एक्स कॉसेक एक्स साथ साथ लिख रही हूं ताकि रेसिप्रोकल हो जाएगा टेन एक्स x और कॉस तो है ही सही सिर्फ सेक एक्स राइट कॉस एक्स कितना था हाफ तो x कितना हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल दैट इज टू साइन एक्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाई तो दैट इज टू कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा टू बाई रूट थ्री टैन एक्स एक्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस रूट थ्री बाय वन तो कॉटेक्स क्या हो जाएगा वन बाई रूट थ्री वैल्यूज आ गई सारी बट दिस इज नॉट कंप्लीट आंसर क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में था थर्ड में और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है टैन और कॉट आफ्टर स्कूल टू टी से टैन और टैन का ऑपोजिट कॉट सिर्फ ये दो पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव दैट इज योर फाइनल आंसर जो आपको बाकी पांच डिग्नोमेट्रिक टर्म्स निकालनी थी तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल से किया आपकी मर्जी आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो आइडेंटिटीज हमने तीन की थी टेंथ क्लास में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज वन वन प्लस टैन स्क्ट स्क्वायर और वन प्लस दैट इज सॉरी वन प्लस टैन सेक्स स्क्वायर और वन प्लस इज कॉस एक्स स्क्वायर एक्स तो आइडेंटिटी करो कि आपके पास कॉस गिवन है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन करके वहाँ से साइन निकाल लो और फिर साइन बाय कॉस टैन कर दो या राइट एंगल से डायरेक्ट वैल्यूज निकाल दो देन वी कैन फाइंड ऑल द टिग्नोमेट्रिक टर्म्स देन आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द साइन थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं बाकी सारी टिग्नोमेट्रिक टर्म्स नेगेटिव एक दी हुई थी बाकी तीनों के आगे हमने माइनस का साइन लगा दिया राइट right? तो इसी तरह से आपके बाकी के क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक फिफ्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं राइट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप खुद कर लोगे एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाटरेंट तो आपके पास है फिफ्थ क्वेश्चन इन दिस इफ टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाडरेंट राइट टैन एक्स क्या है माइनस फाइव बाई ट्वेल्व क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है अब टैन एक्स आपके पास क्या होता है हाइपटिनियस कैसे निकालेंगे वन फोर्टी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव वन सिक्सटी नाइन दैट इज थर्टीन ये आ गया यू हैव टू फाइंड ऑल द टेग्नोमेट्रिक टर्म्स अब टेग्नोमेट्रिक टर्म्स में देखें टैन था तो टैन की जगह आपके पास कॉट है आ, यहां कॉस कर दो और ये कॉट कर दो कहीं भी लिख सकते हो ऑर्डर कैन बी चेंज राइट आप देखो साइन एक्स साइन एक्स आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉसैक्स क्या हो जाएगा इसका ऑपोजिट थर्टीन बाय फाइव कॉटेक्स इसका उल्टा ट्वेल्व बाय फाइव कॉसेक्स कॉसेक्स क्या था बेस अपॉन हाइपटीनियस और ये हो जाएगा थर्टीन बाय ट्वेल्व कौन सा क्वाड्रेंट था सेकेंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक्स पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव वी गेट द आंसर राइट क्वेश्चन नंबर सिक्स टू टेन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स अब हमें बड़े एंगल्स दिए हैं 90 तक के नहीं दिए हमें उनकी वैल्यूज़ निकालनी है जैसे दिया है साइन ऑफ 765 सिक्सटी डिग्रीज अब हमें अगर वैल्यू निकालनी है साइन 765 सिक्सटी डिग्री की ये तो बहुत बड़ा है यहाँ देखें दोनों मेथड बताऊँगी दो मेथड हैं जीरो से शुरू किया 360 फिर 360 सिक्सटी प्लस थ्री सिक्सटी 720 प्लस 45 तक जा रहा है कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है सर्कल लेने के बाद वापस फर्स्ट पहला दूसरा 765 को डिवाइड कर दो 360 से क्योंकि 360 से बड़ा है तो बेटर है 360 से डिवाइड कर दो 720 45 बच गया तो आप इसे लिख सकते हो साइन ऑफ 316 सिक्सटी इंटू टू प्लस फोर्टी फाइव जैसे हम लिखते थे ना डिविडेंट इज डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमेंडर वही हमने किया डिविडेंट इज डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमेंडर उस फॉर्म में लिखा अब 360 सिक्सटी इंटू टू का मतलब तो ये है कि उसने 360 के दो सर्कल कंप्लीट किए इसका मतलब 360 सिक्सटी प्लस मीन्स थ्री प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टिग्नोमेट्रिक टर्म्स पॉजिटिव 360 सिक्सटी साइन को क्या करेगा साइन ही रखेगा ऑफ 45। और साइन 45 की वैल्यू वन बाई रूट टू तो जो वैल्यू साइन 45 की वही वैल्यू साइन ऑफ 765 की तो कोई भी बड़े से बड़ा एंगल निकाल सकते हो कि आपके पास जो भी एंगल हो उसे अगर 360 से बड़ा है तो उसे 360 से डिवाइड कर दो राइट right? अगर 360 सिक्सटी से छोटा है तो 180 से कर दो तो 360 से डिवाइड किया तो 720 आ गया वी गेट 45 अब हमने इसे 765 को लिख सकते थे 2 इंटू थ्री सिक्सटी प्लस फोर्टी फाइव डिविडेंट इज़ डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टेग्नोमेट्रिक टर्म्स पॉजिटिव 360 सिक्सटी साइन को क्या करेगा साइन ही रखेगा ऑफ 45। और साइन 45 फाइव इज वन बाय रूट टू राइट सेकेंड देखो जैसे कॉसेक माइनस वन फोर वन जीरो डिग्रीज कॉसेक माइनस वन फोर वन जीरो डिग्री सबसे पहले तो एंगल माइनस आ गया कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या था माइनस कॉसेक थीटा सबसे पहले तो हमने माइनस को एडजस्ट किया अब वन फोर वन जीरो थ्री सिक्सटी से बड़ा है डिवाइड कर दें फोर से देखें ये तो 1440 आ रहा है इसका मतलब रिमाइंडर नेगेटिव में आ रहा है माइनस थर्टी अगर थ्री से करते थ्री थर्टी फिर 330 को मुझे ब्रेक करना पड़ता या 330 को लिखना पड़ता 360 सिक्सटी माइनस थर्टी बेटर है कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो आने दो हमें तो क्वाड्रेंट तो से मतलब है तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस एज इट इज कॉसेक ऑफ फोर टाइम्स ऑफ थ्री सिक्सटी माइनस थर्टी देखो थ्री सिक्सटी इंटू फोर वन फोर फोर ज़ीरो माइनस थर्टी करेंगे तो वन फोर वन जीरो आएगा डिविडेंट इज डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है रिमाइंडर माइनस आया तो माइनस थर्टी हमें तो क्वाड्रेंट से मतलब है हमें मतलब नहीं है कि रिमाइंडर पॉजिटिव आया नेगेटिव जितना नियर बाय जीरो से नाइन्टी के बीच में आए उतना आपके लिए बेटर है इससे करते तो थ्री थर्टी आता फिर थ्री थर्टी को ब्रेक करते दोबारा से इससे अच्छा हमने इससे किया अब देखो माइनस एज इट इज थ्री सिक्सटी माइनस अब थ्री सिक्सटी माइनस कौन सा क्वाड्रेंट ये था जीरो और थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है नेगेटिव तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 360 सिक्सटी कॉसेक को कॉसेक ही रखेगा ऑफ 30 डिग्री और कॉसेक 30 साइन 30 क्या होता है हाफ तो कॉसेक 30 इज टू तो आंसर इज टू और अगर आपको लगता है आप इससे करते तो देखो माइनस कॉसेक ऑफ थ्री सिक्सटी इंटू थ्री प्लस थ्री थर्टी करते थ्री सिक्सटी प्लस कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट फर्स्ट में कॉसेक पॉजिटिव रहता है तो एज इट इज रहता ये माइनस तो बाहर का था ऑफ थ्री थर्टी डिग्री ये आता अब इसे फिर ब्रेक करते माइनस कॉसेक ऑफ इसे क्या लिखते थ्री सिक्सटी माइनस थर्टी या टू सेवेंटी प्लस तो 360 सिक्सटी माइनस कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ फोर्थ में कॉसेक नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस 360 सिक्सटी कॉसेक को कॉसेक ही रखेगा तो कॉसेक ऑफ 30। आंसर इज टू इसमें दो बार क्वाड्रेंट यूज़ करना पड़ा उसमें हमने माइनस रिमेंडर ले लिया तो एक ही बार यूज़ हो गया बाकी हम एक करके नहीं दिखाना कुछ भी हमें डायरेक्ट ये करना है इट्स योर विश कि साइड पे करके देख लो ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो राइट right? अब जैसे एट्थ नाइन्थ टेंथ तीनों क्वेश्चन हैं टैन ऑफ नाइनटीन पाई बाई थ्री आप देखो अब पाई में रेडियन में एंगल दिया हुआ है आपकी मर्जी है अगर आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो टैन ऑफ नाइनटीन पाई बाई थ्री पाई होता है वन एटी वन एटी बाई थ्री सिक्सटी सिक्सटी इंटू नाइनटीन करके चाहे थ्री सिक्सटी से डिवाइड कर दो और अगर डायरेक्टली करना चाहते हो तो उसका शॉर्ट मेथड क्या है कि थ्री की टेबल में देखो 19 से लेस या ग्रेटर कौन सी वैल्यू आती है टेन ऑफ थ्री सिक्स ज एटीन तो सिक्स पाई तो आएगा आएगा या अगर मैं सिर्फ ये देखूं 19 बाई थ्री को क्या लिखूं? सिक्स देखो ना 19 को 3 से डिवाइड कर रहे हो 18 1 बच रहा है तो क्या आएगा 6 और सिर्फ एक साथ में क्या बच रहा है 1 तो इसका मतलब 6 प्लस 1 बाई थ्री ब्रेक कर सकती हूँ ऐसे कैन बी राइट 19 बाई थ्री कैन बी रिटर्न है सिक्स प्लस वन बाई थ्री पाई बाहर है अब इसे अंदर ले आओ सिक्स पाई प्लस पाई बाई थ्री डायरेक्टली यहाँ से ये स्टेप भी कर सकते हो मैंने तो सिर्फ नाइनटीन बाई थ्री को ब्रेक करने के लिए ऐसे किया राइट right? तो नाइनटीन बाई थ्री मीन्स सिक्स थ्री सिक्स एटीन प्लस वन बाई थ्री ऑफ पाई तो सिक्स पाई प्लस पाई बाई थ्री सॉल्व करोगे तो नाइनटीन पाई बाई थ्री आएगा अब सिक्स पाई प्लस वन पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई फाइव पाई सिक्स पाई प्लस इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वार्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव पाई टैन को टैन ही रखेगा ऑफ पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री इज सिक्सटी वन एटी बाई थ्री सिक्सटी और टैन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री तो यू कैन फाइंड इट इज़ीली राइट साइन ऑफ माइनस इलेवन पाई बाई थ्री आप देखो क्या है साइन ऑफ माइनस इलेवन पाई बाई थ्री अब साइन ऑफ माइनस थीटा पहले तो माइनस बाहर ले लो यस अब इलेवन पाई बाई थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस आ जाएगा एक माइनस ही तो हो रहा है फोर माइनस वन बाई थ्री लिख सकते हैं मैंने कहा थ्री थ्री ज़ा नाइन था फिर दो का डिफरेंस आ रहा था थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व था तो सिर्फ एक ही माइनस हो रहा है क्योंकि हमें तो जीरो टू 90 के बीच में एंगल चाहिए तो फोर पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं अब देखो फोर पाई वन पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वार्ट में साइन क्या होता है नेगेटिव तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पाई साइन को साइन ही रखेगा ऑफ पाई बाय थ्री पाई बाय थ्री इज सिक्सटी और साइन सिक्सटी इज रूट थ्री बाय टू राइट ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है कॉट ऑफ माइनस फिफ्टीन पाई बाय फोर अब देखो कॉट है सबसे पहली चीज कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉट थीटा क्योंकि सिर्फ कॉस और साइन किसके केस में होता है कॉस और सेक के केस में माइनस प्लस हो जाता है तो ये आ गया फोर फोर जिक्सटीन एक माइनस है तो फोर माइनस वन बाय फोर 15/4 आएगा विद पाई था 4 पाई माइनस आई थिंक यही है 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस पाई कॉट को कॉट ही रखेगा और कॉट 45 दैट इज वन, आंसर इज वन, राइट तो पहले आपको क्वाड्रेंट चेक करना है और फिर आपको देखना है कि टिग्नोमेट्रिक टर्म चेंज हो रही है या नहीं हो रही टिग्नोमेट्रिक टर्म 90 और 270 पर चेंज होती है साइन कॉस में कॉस साइन में टैन कॉट में कॉट टैन में सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में सिर्फ किस पर होती है 90 और 270 पर 180 और 360 पर टिग्नोमेट्रिक टर्म सेम रहती है राइट right? तो ये थी आपके पास सेकेंड एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू जिसमें हमने क्वाड्रेंट्स किए नेक्स्ट क्लास में पहले हम एक बार ग्राफ करेंगे टिग्नोमेट्रिक के साइन कॉस टैन का ग्राफ करेंगे और फिर उसके फॉर्मूलाज राइट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू